दलित नाबालिग लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत। परिजनों का रेप के बाद हत्या का आरोप। गुस्साई लोगों का विरोध प्रदर्शन। झड़प में दो पुलिस वाले घायल। मामला अलीगढ़ के अकबराबाद इलाके के किवलास गांव का है। मृत लड़की की उम्र 16 साल है। रविवार सुबह 11 बजे मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए वो खेत गई थी। जब वो काफी देर तक नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। रात में उसकी लाश खेत में मिली। खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को गाँव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। गाँव वालों ने पुलिस वालों पर पथराव किया जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। क्रिया का समय वैसे कोई नहीं, लोग जो अपना दुख था उसके लेके कुछ अग्रसित लोग, उसका पुलिस प्रशासन ने समझा बुझा के उनसे रिक्वेस्ट करके उनका समझाया। हम लोग अब कानूनी प्रक्रिया करेंगे, उन लोग मान लिया। वो पूरा जो पीड़ित परिवार हमारा पुलिस का साथ है, पुलिस उनका साथ है, वो अच्छी थे। उन लोगों से भी हम लोग कोऑपरेट किया है। पोस्टमार्टम हाउस पर BSP नेता भी पहुंच गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुस्तैद रही। मौके पर मौजूद SP क्राइम अलीगढ़ डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि बॉडी का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल से कराया गया और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। मामले की जांच के लिए बनी टीम के प्रमुख भी अरविंद कुमार हैं। पोस्टमार्टम के मुताबिक लड़की की हत्या गला दबाकर की गई है, लेकिन उसके साथ रेप नहीं हुआ। अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का मैं प्रेस मीट कर रहा हूं। पोस्टमार्टम में जो लड़की की कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण पता चल रहा है, एस्फिक्सिया रिजल्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन और स्मदरिंग, ये कासा ब्रेथ का है। उसका गला दबाने से और मुंह दबाने से उनका मृत्यु हुआ। उसका सांस रुक गया है और उसका शरीर में कई तरह का छोटी छोटी चोट है, वो सब उसका नाखून का चोट है और बाड़ी के खींचने से डेड बॉडी एक जगह से दूसरे जगह 10 मीटर खींचा तो उसका चोट दिखाई पड़ रही है और गर्दन पर गला दबाने के निशान है, शरीर में चोट है। और उसका अलावा इंटरनल पार्ट का भी एग्जामिनेशन हुआ है। डॉक्टर साहब ने लिखा है इंटरनल पार्ट में कोई नो इंजरी, वहाँ पर कोई क्लियर कट इंजरी नहीं है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद ही ये तय किया जाएगा कि मामले में रेप की धाराएं लगेंगी या नहीं। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया।